अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के गांव सुनहरा में बिजली विभाग के बकाया बिल को जमा कराने को लेकर विभाग के अधिकारी ने पहले तो गुस्से में आकर किसान को थप्पड़ मार दिया और फिर जेल भिजवाने की धमकी दी। इससे आहत किसान ने खुद को घर के एक कमरे में बंद होकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार को ब्लॉक प्रमुख ठाकुर तेजवीर सिंह की अगुवाई में बिजली घर पर शव रखकर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग थी कि एसडीओ और जेई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हो और 25 लाख रुपए मुआवजे मिले। सूचना पर पुलिस टीम के अलावा एसडीएम अतरौली भी मौके पर पहुंच गए। ये बिजली विभाग वालों ने एक झूठा बिल 1500 का बिल को 1.5 लाख का दिखाकर किसान को परेशान किया, उसके घर पे गए 3 दिन गाड़ियां भर के। इससे किसान भयभीत होकर वो आत्महत्या कर ली उसने। क्या नाम है किसान का? और किसान का नाम है रामजीलाल, थाना है बरला। गांव कौन सा है? गांव है सुनहरा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं किसान को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। जिन्होंने इसे आतंकित किया है, परेशान किया है, घर पर जाके बेइज्जत किया है, आत्महत्या की है। किस कारण, क्या लग रहा है आपको? अरे 1.5 लाख बिल कहाँ से देगा गरीब आदमी? गरीब किसान 1.5 लाख बिल कहाँ से देगा बताइए? 1500 का बिल मात्र आया, उसका मात्र संतुलन खराब हो गया, वो आत्महत्या कर बैठे। आपने अभी ग्राफ कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, ग्राफ कर रहे हैं और करते रहे जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। कहाँ का ग्राफ कर रहे हैं? अभी तो हम बिजली घर पे हैं। बॉडी कहाँ है? बिजली घर पे है। कितने लोग होंगे? लोग हैं करीब 1500 करीब। तो वही मृतक के भतीजे बबलू ने बताया कि घरेलू कनेक्शन का करीब 1500 रुपए बकाया था। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 1.5 लाख रुपए का बकाया बिल लेकर एसडीओ और जेई के साथ टीम शुक्रवार को घर पहुंच गई। घर का कनेक्शन भी काट दिया। मृतक चाचा ने उनसे कहा कि हम पर केवल 1500 रुपए बकाया है। आरोप है कि इसी बात पर एसडीएम ने गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जेल भेजने की धमकी दी। इसी बात के डर से उन्होंने घर के कमरे में बंद होकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये साहब कल बिजली विभाग की टीम गई थी गांव में, इन गांव में आने वाले हमारे चाचा को धमकाया हड़काया और ये तार काटे वीडियो बना रहे थे। चाचा ने हाथ जोड़े और इन्हें उनके साथ मारपीट करके भगा दिए। उस आदमी ने डर के मारे फांसी लगा लिए, कह रहे कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। छोटे दिल के आदमी थे साहब, बहुत गरीब आदमी है, उनका झोंपड़ी में रहना वैसा है, देख रहे हैं आप जाके। क्या नाम था जो खत्म हुआ? उनका नाम है जी रामजी लाल। उम्र करीब उनकी 60 वर्ष 58 60 के लगभग है। वो बता रहे थे बिजली वाले के तुम पे बिल है और बिल ज्यादा नहीं, बिल तो ज्यादा नहीं थी, 2-3 हजार रुपये बिल है, लेकिन वो बता रहे थे कि 20 हजार 50 हजार ऐसे धमका रहे थे। और वो वैसे आदमी तो उन्होंने साहब फांसी लगाई, उनको एक सामने फांसी लगाई है और हमने उनको देखा रहा तो वो भाग गए बिजली वाले वहाँ से। अब आप लोग कहाँ पे आए और क्या कर रहे हैं? हम साहब यहाँ बल्ला फीटर पे आए हैं, या धंधा दे रहे हैं, या रोक बांध कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, या हमको न्याय चाहिए यहाँ पर। बॉडी भी आप ले आए बॉडी? हाँ साहब। कब तक आप लोग रहेंगे यहाँ पर? जब तक हम रहेंगे, 1 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 1000 दिन लगो, हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हमको इनका मुआवजा चाहिए और इनके बिजली विभाग के साथ वो नाम जो है FIR चाहिए, हमें मुकदमा दर्ज होगा। इनका साहब ये परिवार है, देखो ये कैसे बच्चे पलेंगे जब मर जाएगा ये हैं। SDM पंकज कुमार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यहाँ पर बरला थाना अंतर्गत ग्राम सुनहरा में रामजी लाल, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के करीब है, वो अभी कल जो है उनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें गांव वाले लोगों के कहना कि उनके द्वारा खुदकुशी करके मृत्यु हुई है। हालांकि उसको पुलिस ने तत्परता के साथ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, उस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी। इसके साथ ही कुछ लोगों का, उनके परिजनों का ये कहना है कि जो बिजली विभाग की टीम वहाँ पर गई थी और उनके द्वारा कुछ वसूली की कार्रवाई की गई, उससे भी वो कुछ हद तक जो थे। आपको बता दें कि शनिवार को ग्रामीण मृतक के शव को लेकर ब्लॉक प्रमुख ठाकुर तेजवीर सिंह की अगुवाई में बिजली घर पर पहुंच गए। मांग थी कि बिजली विभाग के अधिकारी एसडीओ और जेई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हो और 25 लाख का मुआवजा मिले। सूचना पर एसडीएम अतरौली पंकज कुमार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट।